हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 5, दैट इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर के अंदर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ओशियंस के बारे में, यानी कि सागरों के बारे में। तो और हमने जाना था कि हमारे पास टोटल ओशियन है, दैट इज 5, उनकी संख्या जो है वो कितनी है, 5 है, और वो कौन कौन से है वो भी हमने जाना था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं सारे ओशियंस को वन बाई वन करके पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पैसिफिक ओशियन के बारे में, यानी कि प्रशांत महासागर के बारे में। तो पैसिफिक ओशियन की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर कैसा ओशियन है, तो सबसे बड़ा महासागर है। एंड इट इज स्प्रेडेड ओवर 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के 1/3 भाग पे पैसिफिक ओशियन है। और अगर मैं बात करूं इसके शेप की, इसका आकार कैसा है, तो दैट इज सर्क्यूलर, ये कैसा है, गोल आकार का है। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ मरीना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी पे सबसे गहरा जो जगह है, सबसे गहरी जो जगह है वो कौन सी है, मरीना ट्रेंच है। और ये है कहाँ, ये कहाँ स्थित है, दैट इज इन द पैसिफिक ओशियन। और चूंकि ये सबसे ज्यादा डेप्थ, सबसे ज्यादा गहराई वाला जगह है, तो इसकी डेप्थ कितनी है, दैट इज 11,022 मीटर। और इसी के साथ यह पूरी वर्ल्ड में सबसे गहरा जगह है। एंड एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। जो हमारा इसके पहले जो हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट के बारे में, महादेश के बारे में, तो एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो पैसिफिक ओशियन के आसपास ही है। लाइक अगर मैं इसे शो करूं मैप में, सो दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की जो फिजिकल मैप है, भौतिक मैप जो होती है, ये वर्ल्ड की वही है। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। तो जब ये दोनों छोर एक साथ ऐसे मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो शेप है वो राउंड है, इस वजह से ये, तो जब ये दोनों ऐसे मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो इसी वजह से पैसिफिक ओशियन का आकार जो है वो कैसा है, गोल है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, तो ये सारे जो है, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसके आसपास में हैं। तो ये तो हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ओशियन के बारे में, दैट इज अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक ओशियन की बात करें तो ये जो है ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक ओशियन कैसा महासागर है, सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, यानी सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, और उसके बाद जो बड़ा है वो है अटलांटिक ओशियन। और इसकी आकृति की बात करें, इसका आकार जो है वो कैसा है, तो वो होता है एस साइज का। एंड इट इज फ्लैंक्ड बाई नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, यानी कि वेस्ट साइड पे, यानी कि पश्चिमी छोर पे, पश्चिमी एरिया में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड पे यानी कि पूर्वी भाग पे कौन सा है, यूरोप एंड अफ्रीका है। दिस इज द बिजिएस्ट ओशियन फ्रॉम कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अटलांटिक ओशियन जो है वो सबसे बिजिएस्ट ओशियन, मतलब यानी कि यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम होता है वो ज्यादा होता है, और इसी वजह से ये बिजिएस्ट ओशियन है। लाइक अगर हम इसे मैप में देखें, वर्ल्ड की फिजिकल मैप जो भौतिक मैप होती है वर्ल्ड की, उसमें अगर हम देखें तो ये है हमारा यहाँ पे अटलांटिक ओशियन। इसकी आकृति जैसा ही कुछ लाइन आपको ये दिख पा रही होगी, और इसके वेस्टर्न साइड पे ये हो गया साउथ अमेरिका, और यहाँ नॉर्थ अमेरिका, इसके ईस्टर्न साइड पे अफ्रीका और यूरोप। और ये जो अटलांटिक ओशियन है वो ये थोड़ा इंडेंटेड है, मतलब आप देख पा रहे हो कि इसकी लाइनें जो है वो कैसी है, हिंदी में उसे हम दांतेदार कह सकते हैं, मतलब थोड़ी उबड़ खाबड़ सी है। और चूंकि ये बहुत ही ज्यादा इंडेंटेड है, बहुत ही ज्यादा दांतेदार है, तो इसी वजह से ये पोर्ट के लिए एक आइडियल लोकेशन है, पोर्ट के लिए यानी बंदरगाह के लिए, जहां से कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का काम होता है, यानी कि आयात और निर्यात का काम होता है। तो ये अटलांटिक ओशियन आयात और निर्यात के लिए बहुत ही एक अच्छी लोकेशन है। तो इसकी कोस्ट लाइन जो है, इसका जो कोस्ट लाइन है यानी तटीय जो एरिया है वो कैसा है, इंडेंटेड है, यानी कि दांतेदार है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ जिसे हम कहते हैं, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, ठीक है। और इसी वजह से ये एक आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है पोर्ट्स के लिए, यानी बंदरगाह के लिए एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, जहां से कि पोर्ट से क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है सारे गुड्स का, सारे जितने भी माल वगैरह आते। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ओशियन के बारे में, दैट इज द इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। दिस इज द ओनली ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर एनी कंट्री।
ये एक ऐसा ओशियन है, एक ऐसा सागर है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया, और वो कंट्री कौन सी है? दैट इज आवर कंट्री ओनली एंड ओनली इंडिया, और वो है हमारी कंट्री इंडिया यानी कि भारत। तो इंडियन ओशियन जो है अपने कंट्री के नाम पे रखा गया है। और अगर मैं बात करूं इसके शेप की, इसका आकार कैसा होता है, वो है ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुज के जैसी। ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, तो त्रिभुज के जैसे ही इसकी आकृति है। और अगर मैं बात करूं कि इंडियन ओशियन के आसपास क्या है, कौन सी कॉन्टिनेंट है, तो इंडियन ओशियन के नॉर्थ में है एशिया कॉन्टिनेंट, वेस्ट में है यानी कि पश्चिम में है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एंड ईस्ट में यानी कि पूरब में है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट से इंडियन ओशियन जो है वो घिरी हुई है। और इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर लोकेटेड कहाँ पे है, स्थित कहाँ पे है? सो इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास और आर्कटिक सर्कल के पास ये स्थित है। एंड इंडियन ओशियन इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाई बेरिंग स्ट्रेट। इंडियन ओशियन जो है यानी कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है बाई बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ओशियन के बारे में, दैट इज द सदर्न ओशियन यानी कि दक्षिण का जो महासागर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इट encircles द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये है कहाँ पे? तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास, एंड extends northward टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और ये नॉर्थ से यानी कि उत्तर से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की ओर बढ़ती है यानी कि दक्षिणी अक्षांश की ओर बढ़ती है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट ओशियन के बारे में, दैट इज द आर्कटिक ओशियन यानी हम बात कर रहे हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसे मैप में देख लेते हैं कि आखिर ये है कहाँ पे मैप में। तो मैप में अगर मैं शो करूं तो यहाँ नॉर्थ पोल के पास, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ नॉर्थ पोल के पास है आर्कटिक ओशियन। सो इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। ये कहाँ पे स्थित है? आर्कटिक ओशियन आर्कटिक सर्कल के पास यानी आर्कटिक वृत्त के पास, जो कि कहाँ है? नॉर्थ में है। ये जो इक्वेटर लाइन है इसके ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल है इधर, और नीचे क्या है? साउथ पोल है। तो इधर इक्वेटर के ऊपर जो सबसे लास्ट की जो छोर है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, वहां पे ये स्थित है। एंड इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय बेरिंग स्ट्रेट। और आर्कटिक सर्कल भी क्या है? पैसिफिक ओशियन से जुड़ी हुई है। किसके द्वारा? बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। एंड इट इज बाउंडेड बाई नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। इट इज बाउंडेड बाई नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कि ये घिरा हुआ है किससे? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी कोस्ट से, उत्तरी जो तट है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी तट से घिरा हुआ है, एंड यूरेशिया से। यूरेशिया का मतलब पता है आपको? मैंने बताया था लास्ट की वीडियो में कि यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया का पार्ट है, यानी कि कुछ हिस्सा एशिया का और कुछ हिस्सा यूरोप का जो मिलता है वो यूरेशिया बनाता है। तो आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर जो है वो घिरा हुआ है नॉर्दर्न उत्तरी अमेरिका के उत्तरी कोस्ट से और यूरेशिया से। तो ये था हमारे ओशियंस के बारे में। सो आई होप जो ओशियंस के बारे में मैंने भी आपको बताया वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है देन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है देन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।